बच्चों, तुल्यकालीय या भूस्थायी उपग्रह, जिसे हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोलते हैं, क्या है ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? बच्चों, हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी होती है, ये यहां देखिएगा, ये अर्थ जो है, या पृथ्वी स्वयं अपनी एक्सिस, ये देखिए इसकी एक्सिस है, जो है ये नॉर्थ साउथ पोल से जा रही है, ये इसकी एक्सिस है। तो इसके सापेक्ष ये अर्थ जो है वो 24 घंटे में एक रोटेशन अपना अपनी अक्ष पर घूम जाती है, अर्थात एक घूर्णन 24 घंटे में वो पूरा करती है, मतलब 24 आवर में एक रोटेशन अर्थ अपनी एक्सिस पर, एक्सिस के सापेक्ष कर देती है। तो बच्चों, हम क्या करते हैं कि हम एक सैटेलाइट लेते हैं, और हम क्या करेंगे कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को खास तरह से स्टेब्लिश करेंगे। तो क्या होगा, एक खास तरह से सैटेलाइट को स्टेब्लिश करना कि वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बन जाए, मतलब भूस्थायी उपग्रह बन जाए। तो बच्चों, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनेगा या भूस्थायी उपग्रह बनेगा, उसकी एक विशेषता रहेगी कि ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो होगा ही, साथ ही ये जो हमारी अर्थ है उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब ये जो इसकी अर्थ की एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर है ना, लंबवत भूमध्य रेखीय तल में। ये बच्चों, ये वाला जो हमारा तल होता है इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखीय तल, ठीक है? तो ये प्लेन ऑफ द इक्वेटर इसको बोलते हैं, भूमध्य रेखीय तल। तो बच्चों, क्या होगा कि ये जो उपग्रह होगा ये पृथ्वी की अक्ष के लंबवत भूमध्य रेखीय तल में परिक्रमण करता है। मतलब ये क्या करेगा, ये अर्थ की एक्सिस के परपेंडिकुलर कहां स्टेब्लिश करेंगे इसको, भूमध्य रेखीय तल में, और ये वहां रिवॉल्व करेगा, मतलब इन एन ऑर्बिट इन द प्लेन ऑफ द इक्वेटर, ठीक है बच्चों? अब ये कैसे रिवॉल्व करेगा, तो ये रिवॉल्व करेगा अर्थ के रोटेशन के सेम डायग्राम में, मतलब जिस दिशा में अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेशन करती है, ठीक है? कैसे रोटेशन करती है अर्थ, वेस्ट टू ईस्ट। तो ये भी अपनी कक्षा में वेस्ट टू ईस्ट ही क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। मतलब क्या बात हुई कि जैसे पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है या रोटेशन करती है, तो ये वाला जो आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं, ये भी अपनी कक्षा में या ऑर्बिट में क्या करेगा, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर ही रिवॉल्व या परिक्रमा करेगा, ठीक है? अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसकी हाइट को हमें इस ढंग से एडजस्ट करना पड़ेगा कि अब चूंकि ये हम चाह रहे हैं कि ये इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड है ना, हम चाह रहे हैं कि इसका टाइम पीरियड भी 24 आवर आ जाए। मतलब जैसे अर्थ जो है वो अपनी अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूर्णन करती है, तो हम चाहते हैं कि सैटेलाइट भी अपना एक पूरा चक्कर 24 घंटे में ही लगा ले, और जिस तरफ अर्थ रोटेट करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो सैटेलाइट भी अपने ऑर्बिट में उधर ही रिवॉल्व करे, वेस्ट से ईस्ट की ओर, ठीक है? तो ये बच्चों, अब इसके लिए हाइट को ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा कि सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना हो जाए, मतलब ये वाली जो हाइट है इसको ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा कि सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या हो जाए, 24 आवर हो जाए। तो फिर हम कह पाएंगे कि अर्थ के एक रोटेशन का अपनी एक्सिस पर जो टाइम होगा वही इस सैटेलाइट का अपनी ऑर्बिट में एक रिवोल्यूशन का टाइम होगा, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, कि इसको पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखना होगा। ये 35,786 किलोमीटर लगभग होता है, तो हम इसको 36,000 किलोमीटर लगभग मान सकते हैं। तो इसको ऐसे एल्टीट्यूड पर रखना है कि ये 36,000 किलोमीटर की ये हाइट पर हमारा ये इसको हम ओवर द इक्वेटर रखेंगे। और बच्चों, अभी हमने कहा कि इसका परिक्रमण काल, मतलब इसका जो अर्थ के अराउंड जो इसका रिवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर होगा, और वो इक्वल होगा किसके, अर्थ के अपनी एक्सिस पर जो रोटेशन का जो टाइम पीरियड है उसके, मतलब 24 घंटे के, ठीक है? तो अब बहुत सारी बातें लगभग लगभग एक जैसी हो गई, अब इससे होगा क्या, इससे क्या फायदा होने वाला है? देखिए, ये
अर्थ का जो रोटेशन है या घूर्णन है वो किधर से किधर है, पश्चिम से पूर्व की ओर। सैटेलाइट का भी किधर है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। तो जैसे जैसे अर्थ घूमती जाएगी वैसे वैसे सैटेलाइट घूमता जाएगा, सैटेलाइट भी अपने सेम प्लेस पर कितनी देर में आ जाएगा, 24 आवर में। तो फिर क्या हुआ, देखिए सैटेलाइट के साथ साथ ये अर्थ के साथ साथ ये सैटेलाइट भी इस तरह से ये घूमेगा, अर्थ के रोटेशन के साथ सैटेलाइट का मूवमेंट भी होगा, ठीक है। और 24 आवर में दोनों एक राउंड पूरा कर रहे हैं, ये अपनी घूर्णन अक्ष पर एक घूर्णन में 24 घंटे लगा रही है एक रोटेशन में, और ये अपने जो इसका जो सर्कुलर पाथ है उस पर एक रिवोल्यूशन का टाइम इसका 24 आवर है, ठीक है। दोनों ही एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ठीक है। और हमने इस हाइट को ऐसा एडजस्ट किया हुआ है कि इनके जो ये टाइम पीरियड है ये इक्वल हो जाए। तो इससे क्या हुआ बच्चों की ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट इस भूमध्य रेखा पर, ये जो भूमध्य रेखा हमारी होती है जिसको हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, इस पर किसी भी निश्चित स्थान पर हमेशा क्या होगा, ये ऊपर ही बना रहेगा। जैसे ये यहां है तो इस पर, इस स्थान पर हमेशा क्या रहेगा, ऊपर ही बना रहेगा। तो फिर ये पृथ्वी पर से वहां से फिर ये क्या होगा, ये स्टेशनरी दिखाई देगा, इसलिए हम इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या भू स्थायी उपग्रह। तो बच्चों हमने भू स्थायी उपग्रह के बारे में ये इंफॉर्मेशन ली है कि इस तरह से ये भू स्थायी उपग्रह, आपने देखा भी होगा कि जब हम चलिए एक बार और थोड़ी बात कर ले फिर उसके बाद बात करेंगे कि फाइनली ऐसा हमने ऐसी बात कर ली कि ऐसा सैटेलाइट जिसका जो आवर्तकाल या टाइम पीरियड है, ऐसा सैटेलाइट जिसका आवर्तकाल या टाइम पीरियड पृथ्वी के अपने अक्ष पर रोटेशन अर्थात घूर्णन करने के आवर्तकाल के क्या है, बराबर है, और जिस सर्कुलर ऑर्बिट में या वृत्ति कक्षा में वो रिवॉल्व करे वो अर्थ के कहां हो, विषुवत परत में या भूमध्य रेखीय वृत्त के तल में हो, तो वह जो है अर्थ के किसी भी पॉइंट से देखने पर उस जगह से कैसा होगा, स्थिर प्रतीत होगा, इसीलिए हम उसको भू स्थायी उपग्रह कहते हैं। अब बच्चों इसके इसका जो है इंडिया में जो इस तरह के जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो इनसेट प्रणाली के हैं, तो इनसेट प्रणाली के हमारे जो उपग्रह हैं वो भू स्थायी उपग्रह हैं, और इनके उपयोग कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, और जो वेदर फोरकास्टिंग होता है मौसम का पूर्वानुमान उसके बारे में, टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रसारण में, जो और हमारे स्पेस संबंधी जितनी जितने प्रोग्राम्स या जितनी एक्टिविटीज हैं उसके अध्ययन में भी ये सैटेलाइट हमारा क्या है, बहुत यूजफुल होता है। और आपने देखा होगा कि जब डिश की छतरी को इंस्टॉल करते समय आपने इस बात का खास ध्यान रखा होगा कि उसको किसी एक खास डायरेक्शन में इंस्टॉल करते हैं। आपने देखा होगा अपने घरों की छतरी पर जब आप डिश की छतरी को इंस्टॉल करते हैं आपने देखा होगा तो वो एक खास डायरेक्शन में इंस्टॉल कर देते हैं, पर रोज रोज उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करना होता क्योंकि वो अर्थ के रिस्पेक्ट में जो सैटेलाइट का जो मूवमेंट या डायरेक्शन है वो बदलता तो नहीं है। तो फिर क्या होगा कि इसको भी हमको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये सैटेलाइट से ही हमें ये अपना काम करता है। तो बच्चों इस तरह से हम भू स्थायी उपग्रह या तुल्यकालीन उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में स्थापित करते हैं, अर्थ के ऑर्बिट में हम उसको क्या करते हैं, अर्थ के ऑर्बिट में आप उसको एस्टेब्लिश करते हैं, और इस तरीके से एस्टेब्लिश करते हैं कि उसका जो उसकी कुछ बातें बड़ी सेम हम अर्थ से रखते हैं, जैसे कि अर्थ का जो अपनी एक्सिस पर रोटेशन या अपनी अक्ष पर घूर्णन का जो एक घूर्णन का समय है वो 24 घंटे है, तो हम उस सैटेलाइट का भी अर्थ के जो अराउंड जो वो रिवॉल्व करता है उसको भी हम 24 घंटे में एक बार वो घूम जाए उतनी हाइट पर रखते हैं, वो 24 घंटे में एक बार परिक्रमा कर ले उतनी हाइट पर रखते हैं, और ये अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि अर्थ अपनी जो एक्सिस है इस एक्सिस के अलोंग या इसके सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है, और ये पृथ्वी के अक्ष के लंबवत भूमध्य रेखीय तल में परिक्रमण करता है। तो बच्चों ये वाला जो सैटेलाइट है ये फिर हमको उस प्लेस से क्या होता है, स्थिर दिखाई देता है, इसलिए हम उसको भू स्थायी उपग्रह या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। धन्यवाद।